अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह के हुक्म से ठीक ही होंगे इंशाल्लाह ताला। आज फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार न्यू टेस्ट के साथ। झींगा बिरयानी की मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है ये, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। कड़ी पत्ते ने इसमें चार चांद लगा दिए हैं। कड़ी पत्ते का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, इसकी दूर तक खुशबू जाएगी और इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। फटाफट किचन में जाएँ और झींगा बिरयानी बनाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ झींगा बिरयानी बनाने की मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी। उसके लिए मैंने झींगा लिया है हाफ के जी, ये जहाँ पर आपको हल्का हल्का सा काला काला नज़र आ रहा है ना, इस तरह से नाखून की मदद से इसकी जिल्द उतार लेंगे हम और इसे तीन से चार बार धो लेंगे। गर्म गर्म पानी में झींगों को डाल दूंगी मैं, क्योंकि ये जो जिल्द काली काली सी है ये उतरने में आसानी हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत इनमें कचरा भी होता है। 5 मिनट तकरीबन इन्हें हम लिख करके रखेंगे, उसके बाद हाथ की मदद से निकाल देंगे। गर्म हो चुके हैं ये हल्के से, अब हम इन्हें उठाकर किसी किसी पर पार लगे हुए हैं, ये देख आप देख सकते हैं, और इनकी खाल ये काली पीली जो है ये भी आसानी से उतर रही है। गर्म पानी में तो जा भी कर दिया, वरना ये इतनी देर से साफ कर रही थी तो साफ ही नहीं हो रहे थे ये। गर्म पानी रखते ही ये हो चुके हैं सोफ और हम सब के सब कर लेंगे साफ। चावलों को मैंने भिगो कर रख दिया था, माशाल्लाह 2 घंटे हो चुके हैं, अब मैं इन्हें पानी में से निकालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी मैंने रख दिया है 1 से 1.5 किलो उबलने के लिए। अब मैं डाल दूंगी कुछ मसाले, खड़े मसाले हैं ये, एक छोटी दो छोटी इलायची, एक बड़ी काली इलायची, तेज पत्ता 2 किलो, 3-4 साबुत मिर्च काली, दालचीनी और कड़ी पत्ता, और 2-3 कतरे डाल दूंगी मैं इसमें ऑयल के, ताकि चावल हमारे चिपके ना। और इसी के साथ डाल देंगे हम नमक 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम, 1 या 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। माशाल्लाह पानी उबल चुका है, अब चावल डाल दूंगी मैं और इन्हें हम गलाएंगे 90% हम मसाले में मिलाएंगे। दम पर चावलों को आप जब भी पकाएं, बिरयानी हो या पुलाव हो या सादे चावल हैं, तो उबाल आने तक हम इनका रखेंगे फुल फ्लेम, उसके बाद मीडियम टू लो रखेंगे ताकि चावलों को मीठी मीठी आँच में उबलने का मौका मिले। एकदम से हम फुल फ्लेम पर पका लेंगे तो चावल हमारे फूलेंगे नहीं, बस गल जाएंगे। हल्के से हाथ से एक बार करेंगे मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेम पतीला दोबारा रख लिया है धोकर, अब हम उसमें ले लेंगे बड़े वाला 1 कप ऑयल। ऑयल हो चुका है गर्म, 1 मैंने प्याज लिया है बड़ा, उसके पहले प्याज की फ्राई करेंगे। और अब हम आते हैं खड़े मसालों की तरफ, 1 बड़ा तेज पत्ता, दालचीनी का पूरा टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, बादियान का फूल, 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची काली और कड़ी पत्ता 4-5, ये ऑप्शनल है, जीरा फूल भरकर 1 टेबल स्पून। जैसे ही प्याज ब्राउन होंगे हम ये डाल लेंगे। प्याज हो चुके हैं ब्राउन, अब मैं खड़े मसाले डालूंगी सारे, टमाटर 4 से 5, हरी लाल मिर्च और आलू बुखारा, ये 5-6 पीस लिए हैं मैंने, आप इसकी जगह इमली भी ले सकते हैं, भिगो कर रख दिया था मैंने 10 से 15 मिनट पहले। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और हम आते हैं पीसे हुए मसाले की तरफ, 1 टेबल स्पून नमक और 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री, ये दोनों मिक्स है, फूल भरकर 1 टेबल स्पून चाट मसाला, कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून और कश्मीरी मिर्च 1 टेबल स्पून। ये बनेगी हमारी चटपटी बिरयानी। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पीसी हुई, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी लेंगे हम 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर लेंगे हम 1/2 टीस्पून। मसाले की मजबूती अच्छी सी भुनाई, अब मैं झींगा डालकर झींगों की भुनाई करूंगी बहुत ही अच्छी तरह से। एक बात है, झींगे में जो हींग आती है, अगर आप चाहते हैं वो ना आए तो आप मसाले में डालने से पहले 2-3 मिनट फ्राई कर लें तो वो हींग निकल जाएगी और टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। माशाल्लाह अच्छी सी भुनाई हो चुकी है हमारे झींगों की और मसाले की। अब मैं डाल दूंगी 1 कप पानी, ये वही पानी है जिसमें हमने चावल किए थे, ताकि हमारे झींगे अच्छे से गल जाए, कच्चे ना रहे। और कुछ मसाले ये लिए हैं मैंने दम के वक्त डालने के लिए, 3-4 हरी मिर्च, नींबू के टुकड़े टुकड़े से पीस, पुदीना और कड़ी पत्ता, हरा धनिया और साबुत मिर्च, ये दम के वक्त आएंगे। झींगे हमारे माशाल्लाह गल चुके हैं, अब मैं सारे झींगे और मसाला निकाल लूँगी और हम लगाएंगे चावलों की तह और उसमें रखेंगे, इतना ही लूज रखेंगे हम, 90% हम लोग चावल गलाए हैं और 150% यानी कि हम इस मसाले में गलाएंगे, इसलिए हमने इतना लूज रखा। चावलों को कलर देने के लिए मैंने ये तरी निकाल ली है, आप कलर भी डाल सकते हैं, मैं तरी से ही अपने चावलों को कलर दूंगी। पतीला रख लिया है मैंने 3 से 4 टेबलस्पून, सबसे पहले पतीले में डालेंगे ऑयल ताकि चावल हमारे चिपके ना। अब चावल डाल लेंगे, हाफ चावल डाल लेंगे और हाफ हम
झींगा कोरमा डालने के बाद डालेंगे, इन्हें करेंगे सेट की मदद से। हम डालेंगे कोरमा, और दम के वक्त डालने वाले मसाले हाफ डालूंगी मैं और हाफ ऊपर से। दोबारा से फिर चावल, बचे हुए चावल दोबारा से तह लगाएंगे, और अब बचे हुए मसाले पैन में डाल देंगे, और ऑयल जो मैंने बचा कर रखा था वो डाल लेंगे इस तरह डिजाइन से, ताकि थोड़े से चावल हमारे कलरफुल नजर आए और कुछ वाइट। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लुक। इनसे 4 टेबल स्पून ऑयल डाल लेंगे हम, ताकि चावल हमारे शाइनिंग वाले बने माशाल्लाह और चिपके भी ना। अब हम 10 से 12 मिनट के लिए कपड़ा लपेट कर रखेंगे लगभग लो फ्लेम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दम का टाइम हो चुका है पूरा, और अब हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह दाना दाना अलग अलग है, खिले खिले से हमारी मजेदार बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह रेडी है हमारी झींगा बिरयानी। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक आ चुका है, आपको बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। कड़ी पत्ते का टेस्ट इसमें माशाल्लाह 4 चांद लगा दिए हैं खुशबू में भी। आज की हमारी मजेदार सी झींगा बिरयानी बनाने की रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की बहुत ही मजेदार चटपटी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।